नागरिक सुरक्षा में प्रखंड द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय के जन्म दिवस के अवसर पर वाराणसी में एक रक्तदान महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस महाकुंभ में 200 से ज्यादा लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। लोगों ने रक्तदान करने के साथ ही यह अपील भी की कि एक यूनिट ब्लड डोनेट करने से 3 से 4 जिंदगियां बचाई जा सकती हैं, इसलिए हम सभी को हर 4 से 6 महीने के अंतराल पर रक्तदान करना चाहिए। ब्लड डोनेशन के एक जागरूकता के लिए होता है, जो आदमी के इंसान को बहुत जरूरत ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, इंसान को एहसास होता है कि हमने ब्लड दिया नहीं, आज हमें ज़रूरत है। ब्लड डोनेशन में कोई किसी को खामी नहीं होती है। 18 साल की उम्र से 65 साल की उम्र तक लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। 12-12.5% हीमोग्लोबिन होना चाहिए। लेडीज़ के लिए 4 महीने का गैप होता है, जेंट्स के लिए 3 महीने का गैप होता है। बनारस में सुनील छोटू में आई थी और मैंने सुना कि नागरिक सुरक्षा से मालवीय जयंती भी है आज, तो आज रक्तदान का शिविर लगा हुआ है, तो ये सुन के मैं यहाँ पर आई हूँ रक्तदान देने। और रक्तदान देना काफ़ी अच्छा होता है, ये हमारी छोटी मोटी बीमारियों का विनाश करता है। और जो गलत फहमियाँ हैं लोगों के बीच में कि रक्तदान देने से हमें नुकसान होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर रक्तदान का महाकुंभ हम लोगों ने लगवाया है। अब तक कितने यूनिट रक्तदान हो चुके हैं और कितना लक्ष्य रख के चल रही है? अब तक 50 यूनिट रक्तदान हो चुके हैं और कम से कम 500 लोगों का हम लोग का लक्ष्य है।